तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आज का मौसम कितना ज़्यादा खराब है ये अभी जस्ट ही बेटू ने इसको कवर किया है लेके आए हैं वहाँ से बाहर से और मेरी तबीयत खराब है तो दोस्तों ये वीडियो मैं आज का नहीं है ये कल का वीडियो है जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं तो सुबह का टाइम हो गया किचन की ड्यूटी शुरू है जैसे आपको पता ही है भैया हम लोगों की कितनी ज़्यादा ड्यूटी होती है तो उस दिन मैंने ये उस दिन का भी नहीं है सॉरी यह है सैटरडे का ब्लॉग सैटरडे के दिन बेटू ने कहा था कि मैं लेके जाऊंगा सूजी का हलवा तो बेटू के लिए बेटू के लिए टिफ़िन में सूजी का हलवा ही बनाए थे और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं सुबह का वही काम कर रही हूँ तो वही बनाने की तैयारी कर रही हूँ तो यहाँ मैंने सूजी को पहले से ही छान लिया है छानने के बाद इसको फिर घी में पहले फ्राई कर लूँगी यानी तल लूँगी घी में तब फिर मैं बनाऊँगी और दोस्तों ये मैं अक्सर क्या करती हूँ जैसे दिन में मैं ड्रेस पहने रहती हूँ तो रात में मैं टी शर्ट ही पहन लेती हूँ टी शर्ट पहनने से मुझे कंफर्टेबल लगता है ईचिंग नहीं होती और आज तो पता उस दिन मैं गई थी गायब वहाँ मतलब अपने यहाँ कुछ काम था मुझे और इसी वजह से मैं वीडियो भी नहीं, नहीं कल मेरे पास नेट नहीं था इसके वजह से वीडियो नहीं डाल पाई थी तो वीडियो डालने की पूरी कोशिश करते मगर वीडियो डाल नहीं पाते मगर अब मेरी पूरी कोशिश आगे से रहेगी कि मेरे जो भी वीडियो हैं वो बराबर समय से आएँ और आप लोगों तक पहुँचे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा आपके सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बिट्टू ने कहा कि हाँ उन लोग को बना के दे दिए थे फिर उसके बाद मुझे और भी बनाना था तो यहाँ मैं आप देख सकते हो मैं पूड़िया तल रही थी तो पूड़िया भी बनाना था ये उस दिन का है दोस्तों मेरे जिस दिन मेरे ससुर जी का श्राद्ध था श्राद्ध जिस दिन होता है तो मैंने खाने में बनाया था खीर पूड़ी और बाकी जो तो ये है ये उसकी घी की थी जो घी होती है घी की ही छोटी छोटी ऐसे करके निकाल लिए थे क्योंकि उनके खाने का जो भोग होता है जो हमारे यहाँ भोग लगता है वो घी का लगता है तो मैंने घी की ही नहा के सबसे पहले कुछ छुआ नहीं जाता डायरेक्ट किचन में आया जाता और इस टाइम पे पूजा पाठ नहीं होते तो हम इस टाइम पे पूजा पाठ कुछ नहीं कर रहे हैं इसीलिए मेरे पूजा के कोई भी ब्लॉक नहीं आता जिसमें मैं पूजा करती हुई दिख रही हूँ कुछ भी नहीं और यहाँ पे आप देख सकते हो पूड़ियों को मैं तल रही हूँ और इनका मतलब ये जो खाना है तो जैसे कहते हैं कि जो कावा होता है जैसे भूख निकाल के रख दो छत पे तो जैसे कावे आते हैं वो खा के जाएँ तो बोलते हैं जो मतलब पूर्वज होते हैं, उनके पेट में जाता है ऐसे लोगों की मान्यता है और दोस्तों यहाँ मैं वीडियो एडिट करूँ मेरे हाथ में चूड़ियाँ हैं और वो खन खन की आवाज़ हो रही है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा क्योंकि हाथ में थोड़ा सा ज़्यादा चूड़ी डाले ऐसे तो कभी दो तीन ही डालती हूँ मगर इस टाइम मैं ज़्यादा पहनी हूँ और मैं गई थी संडे को मैं जाके आई हूँ थोड़ा काम था रायप दैली गए थे जो लोग राय दैली से होंगे उनको पता होगा मैं राय दैली गई थी तो मुझे वहाँ ज़रूरी काम था इसके वजह से क्योंकि किसी के यहाँ दुख की घड़ी थी तो मैं रास्ते का भी एक वीडियो नहीं बनाई हूँ एक भी वीडियो नहीं आते जाते बल्कि उस दिन दुख की घड़ी नहीं थी दुख की घड़ी मतलब वो तो इक्स्पायर हो गए थे पहले ही मगर बाद में मैं जाके आई मिल के आई तो यहाँ मैं सात पूड़ियाँ बनाऊँगी और खीर है सब्जी है मीठा है सब चीज़ निकाल के तो ये सारा जो कावा है कावों के लिए छत पे रख देंगे तो मेरे हस्बैंड जाएंगे रखने के लिए मुझे बनाना है अभी वो करवाने गए हैं संगम में पिंड जो पिंडे नहीं होते हैं वो पिंडा पारने हमारे यहाँ तो ये बोलते हैं आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं हमें तो भाई नहीं पता है तो यहाँ पे निकल आई हैं तो और ये घी जो है घी को मैं हटा दूँगी फिर उसके बाद इसमें मैं डालती हूँ तेल तो मैं मैंने शायद इसी में ऐसे करके डाल दिया तो देख सकते हो यहाँ मैंने डाल दिया है तेल अब ये पूड़ी जो निकालेंगे अलग और यहाँ देख सकते हो ये मैंने बनाए थे इसमें मैंने मिक्स कर लिए थे आ, वो बना रहे हैं आ, जो लुटाए जाते हैं इनको कहते हैं बरी आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं पता नहीं दोस्तों क्या कहते मगर हमारे यहाँ परी बरी कहते दोस्तों आज की डेट दोस्तों आज की डेट है चौबीस सितंबर आज का दिन जो है दिन आज का है मंगलवार राधे और... राधे वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग मैं मधुलिका आप सबका कर स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका यूपी ब्लॉगर <laughs> और ये देखो मैं उम हमको मार रहा एक बार हाय कर दो एक बार प्लीज ओह ओहे चलता है ये जल्द मांग रहा था अपने आपके पहन पहनने डाला है क्या इसका भाई नहा नहारा तो चलो दोस्तों मैं मिलती हूँ कुछ देर बाद ब्लॉग पे मैंने लेगा ब्लॉग का आनंद लीजिए ओ, अगर आप इसे चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर जैसे मैं कोई नया वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो मैं मिलती हूँ ये मेरा पुग्गुआ हाय पुग्गू पुग्गू हाय कर लो पुच्चू एक बार फिर से अच्छा बाय कर लो ऐसे कर दो हरेगा नहीं बहुत गुच्छे में है तो मैं मिलती हूँ गुड मॉर्निंग तो मैं नहा ली हूँ और इस टाइम बज रहे सुबह के आठ मेरा झाड़ू पोछा सब हो गया सब मैंने साफ सुथरा सब कुछ कर लिया आप देख सकते हो और आज मैं खाने में क्या बनाऊँगी तो ये है मूंग की दाल ये देखिए इसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया और ये आटा भी लगा के रखी हूँ और इसमें तो मलाई है इसका निकालना है वही घी बनाना है तो आज ससुर जी की पूजा है जो पिंडा नहीं पारे जाते श्राद्ध तो आज ससुर जी की श्राद्ध है तो उसमें मुझे बनाना है खीर पूड़ी और साथ में जो मूंग की दाल होती है उसकी पकौड़ियाँ बनती है विदाउट नमक के जिनको हम बरी कहते हैं तो वही यहाँ लुटाएंगे दीपक जला के रखेंगे और बाकी मेरे हस्बैंड जो हैं संगम गए हैं पूजा करने के लिए पिंडे पिंडा पराने के लिए पराना मतलब पिंडदान जो होता है वो पिंडदान ही करने दान ही होगा हाँ पिंडदान क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बात में तो वो वहाँ गए हैं बाकी जो मुझे खाना बनाना है वो खिलाना है जैसे कावा वग़ैरह मिल जाए कहते हैं इसमें अगर जो कावे हैं अगर कावे उस खाने को खा लिए हैं जिनको कौवा भी बोलते अगर वो खाना खा लिए हैं तो मानो कि जिसके लिए हम कर रहे हैं वो इंसान खुद आके खाना खाता है ऐसा कहा गया आज मेरा दांत दुख रहा था hmm. तो ये देखिए है कुछ है तो नहीं ये दुख रहा था पता नहीं क्यों तो चलिए दोस्तों बनाती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे कुछ देर बाद और बेटू बिट्टू ने पूजा किया अपना दीपक जलाया है वहाँ पे जैसे हो सका हम लोग को करना नहीं पूजा अभी जब तक पीतर जो लोग मानते हैं वो पूजा नहीं करते ऐसा कहते हैं तो चलो लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दीपक जला दिया घी का और साथ में मैंने चढ़ाए हैं ये जो बनाए थे जिनको हमारे यहाँ शायद अठौरी बोलते हैं। ऐसे पता है ऐसे कुछ बोलते हैं बड़ी बोलते सॉरी तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है और ऐसे रख दिए हैं अभी मैं खाना बना रही हूँ और अभी खाना बना रही हूँ तो ये भी लेके ये लुटाई जाती इनको प्रसाद कहते ये सब आंगन में किया जाता मगर दोस्तों मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ आंगन तो है नहीं तो मुझे ऐसे ही करना और यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने अभी डाली है खीर जो कि अभी बॉयल हो रहा है तो मैंने खोल दिया है और यहाँ पे पूड़ी की सामग्री बनाने के लिए और वो मैं बना चुकी थी अब देखो यहाँ पे मैं बना रही हूँ इतनी ये दाल थी इसको निकालिए तो इसमें तीखा वाला वो एकदम बिना नमक और बिना उसका है और इसमें मिर्च डाली है और साथ में थोड़ा सा हींग डाल दिए जीरा डाल दिए हैं नमक डाले तो चलो दोस्तों मिलते कुछ देर बाद तो दोस्तों रोज सुबह सुबह जल्दी झाड़ू पोछा सब करना रहता क्योंकि पानी देना रहता जिसकी वजह से झाड़ू पोछा सब समय से ही कर लेते तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आई होप आप लोगों को पसंद आए पसंद आए लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बाय और सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों तो ये सुबह का है सुबह बहुत जल्दी झाड़ू पोछा करना पड़ता है इस टाइम पे तभी का है और आज तो मेरी तबीयत ख़राब ये दो दिन पहले का है दोस्तों जो कि आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें बगल में आइकन है उसे भी प्रेस कर दें जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप